एक हाथ में हाँ पानत वो काम होना ना खेत में, तो एक हाथ में तो यूं रोटी और उसके ऊपर वो साग, क्यों भगवान ने ठीक बड़ा तो दिया ही कौन, पर हाथ में रोटी नहीं कौन खावे। भगवान हंसता है उस आदमी के ऊपर कि देख इतना बड़ा खेत खलियान, इतना धन दौलत, घर में इतना बर्तन रखे हैं, फिर भी हाथ में रोटी लेकर खा रहा है। ये दरिद्रता की निशानी है। जो पांव में बैठकर खाता है वो दलदली आदमी होता है। हाँ, कहीं पर भी जाओ पूरा बैठ करके और कुछ पात्र रखो नीचे जमीन पर रख करके और फिर भगवान को एक हाथ में रोटी और एक हाथ में तोड़ी तोड़ी खाए, हाँ नीचे, और भगवान को भोग लगा करके आओ ठाकुर जी। गीता में लिखा हुआ है जो मेरा दिया हुआ मुझको भोग नहीं लगा करके जो खाता है वो अन्न नहीं खाता, वो पाप को खाता है। क्या खाता है? पाप। हम अन्न नहीं खाते, हम पाप खाते हैं, क्योंकि जो कमाया है वो पाप से कमाया है। इसीलिए भगवान के वहां जो जो भोग लगता है ना, तो पंडित जी बोल देते तुलसी रखो, क्यों? क्योंकि तुलसी रखने से उसका जो दोष है अन्न का, क्यों न जाने किसने कैसे क्या कमाया। एक बार क्या हुआ हरि बोल, एक स्टेशन मास्टर जो रेल चलाया करते थे, रेल वो जहां रेल होती है ना वहां स्टेशन पे एक मास्टर हुआ करते हैं। तो स्टेशन मास्टर बहुत चालाक, तो वहां जो रेलगाड़ियां निकलती है ना तो उसमें से वो चोरियां कर लेते, तो चोरियां करते तो वो पहले क्या चावल का ज्यादा उस क्षेत्र में चलन था। आप इधर चले जाओ उत्तर क्षेत्र में जितने जाओगे ना, इधर हरियाणा उत्तर प्रदेश आदि आदि, तो उधर चावल की खेती, पंजाब आदि आदि तो उधर चावल की खेती होती है। तो वो चावल लिया करते और किसी को बेचा करते। एक दिन क्या हुआ कि उनके मन में विचार आया, जो सेठ चावल खरीदता और बेचता, उस सेठ के मन में विचार आया कि अपने गांव में एक साधु आया, चलो आज साधु को भोजन तो करवाएं। तो सेठ जी ने साधु को उनके आश्रम या मंदिर जहां भी रुके होंगे वहां गए, उनको कहा कि हे महात्मा आप हमारे घर भोजन के लिए पधारो। महात्मा गए भोजन, अच्छी खीर बनाई, रोटी खीर रखी उनको, पूरी खीर, खीर इतनी सुंदर इतनी स्वादिष्ट कि महात्मा जी ने पूरी तो नहीं ली, बार बार क्या ले खीर, मेवा मिठाई आदि कुछ उसमें डाला, बहुत सारे मेवा उसमें दाग पिस्ता आदि डाल दिए, तो बड़ी स्वादिष्ट लगी। तो एक बार ले, दो बार ले, तीन बार ले, चार बार ले, बड़ी स्वादिष्ट, पेट भर के पूरी कम और खीर ही खीर महाराज ने खाई। खाने के बाद में पेट बहुत ज्यादा खाई ना, तो पेट बहुत ज्यादा भर गया, सुस्ताने लगे, नींद आने लगी। तो सेठ जी ने कहा महात्मा जी आप सुस्ता रहे हो, कोई बात नहीं, गर्मी का समय भी होता है, आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम कर लो घंटा दो चार घंटा। महात्मा जी आराम करने लगे उन सेठ जी के घर। आराम करते करते क्या हुआ कि वो खीर खाने से उनको जैसे ही बिस्तर पे गए तो उनको नींद नहीं आई, बार बार परेटा लेते। तो परेटा लेते लेते क्या हुआ कि वो जो बिस्तर था ना महात्मा जी का, जहां सो रहे थे पलंग पर गद्दे पर, तो वो परेटा लेते लेते क्या हुआ कि वो बिस्तर घड़ी हो गया, वो जो ऊपर जो रखा था ना वो घड़ी हो गया। तो नीचे नोटों की गड्डियां रखी थी, 10 गड्डी। महात्मा जी ने देखा गड्डी रखी हुई,
महात्मा जी उठे, उन्होंने कहा चलो। चलने लगे, फिर वापस पलट करके मन में विचार आया और एक गड्डी उठाई और अपने झोले में रख लिया। और महात्मा जी, अच्छा अच्छा सेठ जी, नींद नहीं आ रही है, बस जितना आराम किया थी मुझे कहीं जाना है। और वो चले गए, सोए, रात को भी नींद नहीं आई सही ढंग से, आधी आई और आधी नहीं आई। और उसके बाद में वो सुबह अपना नित्य कर्म किया, उठे, नहाए धोए, और नहाने धोने के बाद में उन्होंने भगवान का पूजन करने के लिए गए तो सबसे पहले उन्होंने तुलसी दल, जो महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, रात को एक गिलास में या कप में आदि कहीं कटोरी में तुलसी के पत्ते एक दिन पहले रख देते हैं, रात भर वो पड़े रहते हैं। सुबह उस तुलसी, वो तुलसी के पत्ते निकाल करके, और वो तो भगवान के उसमें भोग में काम आ जाते हैं, और वो जो पानी बचता है ना तुलसी का रात भर का, उस पानी को पीते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो साधु ने ऐसा ही किया, जैसे तुलसी का पानी पिया और पानी पीकर जैसे पूजा से उठे, और उनको मन में पछतावा होने लगा। अब तक तो नहीं हुआ, फिर पछतावा होने लगा, अपन ने अच्छा नहीं किया। वापस महात्मा किसके पास, किसके घर गए, सेठ जी के घर गए। वहां गए तो वहां उस घर में जाकर देखा तो वहां सभी नौकरों की लाइन लगी हुई है, और सेठ सबको पूछ रहा है, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सबको दंडित किया जा रहा है, बताओ किसने लिया। अब कोई कोई किसने लिया ही नहीं तो कौन क्या बोला। बेचारे नौकर परेशान हो रहे, उनको दंडित किया जा रहा है। इतने महात्मा गए और महात्मा ने कहा देखो मेरे कारण इतने लोग परेशान हो गए, जिनने नहीं किया उनको भी चोर बनाया जा रहा है। आखिरकार महात्मा ने जाकर के प्रणाम किया, सेठ जी आओ महात्मा जी पधारो, स्वागत उनका सत्कार किया, पर महात्मा जी का चेहरा उदास। उन्होंने कहा राजन सेठ जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो कि कल इन्होंने यहां 10 गड्डियां रखी थी, एक गड्डी न जाने कहां गायब, कि इन्होंने नहीं वो मैंने ली। अरे आप जैसे महात्मा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप इनको बचाने के लिए या किसी एक को बचाने के लिए ऐसा करो, नहीं वो मैंने ही लिया था। आपने ऐसा क्यों किया, आप तो साधु हो और संत ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर किसके ऊपर विश्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि कल आपने मुझे आपके घर खाना खिलाया ना, भोजन कराया ना, मैंने खीर बहुत खाई, आप बताओ कि वो खीर कहां से आप लेकर के आए, वो चावल कहां से लाए। उन्होंने कहा कि वो चावल तो मैं स्टेशन मास्टर से लेता हूं, और मैं तो चावल का व्यापार करता हूं, वहां से खरीदता हूं आधे भाव में, आधे से भी और कम भाव में, और फिर मैं आगे पूरे भाव में बेचता हूं। पर वो चावल आता कहां से कि वो स्टेशन मास्टर वो गाड़ियां निकलती है उसमें से चोरियां कर लेता है, और वो चोरी के चावल मैं खरीदता हूं और उनको आगे बेचता हूं। तो वो चोरी के चावल की खीर बनी, और उस चोरी के चावल की खीर खाने से वो चोरी का गुण महात्मा के अंदर भी आ गया और उनका मन भी भ्रष्ट हो गया। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, शुद्ध खाने का प्रयास करो, तुलसी पत्र डालने का प्रयास करो, किसके घर में हम खा रहे हैं इस बात का विचार करो, फिर खाओ, और तुलसी पत्र डाल करके और भगवान ठाकुर को भोग लगा करके हमारे घर में भी जो अन्न है उस अन्न को भगवान को थाली जब आए तो भगवान को भोग लगा के खाने का प्रयास करो। बोलो सांवरिया सेठ की जय। इसीलिए कहा गया है व्रत करते हो ना सब लोग, व्रत क्यों करवाए जाते हैं, व्रत इसलिए करवाए जाते हैं, ग्यारस का व्रत,
सोमवार का व्रत, आज सोमवार है, कोई रविवार का व्रत, वो व्रत करने से आपने कोई ऐसी चीज खाई, महात्मा ने वो खीर खाई थी ना, जब तक खीर का खीर पेट में थी तब तक तो उनको विचार नहीं आया चोरी की खीर, पर जब सुबह खाली पेट हो गया, निवृत्त हो गए और फिर वो तुलसी दल पी लिया, फिर भगवान की पूजा कर ली तो मन शुद्ध हो गए, वो जो था वो खाली हो गया। तो ऐसे ही उन्हीं सरियाती के कुल में नभक नामक राजा हुए, नभक के नाभाग हुए और नाभाग के कुल में अमरीश नामक राजा हुआ, सूर्यवंशी राजा अमरीश। वो अमरीश का भी एक नियम था, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में ग्यारस का व्रत करने का नियम लिया, वो ग्यारस का व्रत किया करते, अखंडा एकादशी का व्रत किया करते। बोलो ग्यारस माता की, बड़े प्रेम और भाव के साथ एकादशी का व्रत किया करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सब गाइए, जोर से गाइए, Yeah.
साथ में बहुत सारे सेवकों को साथ लेकर के उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। भगवान बड़े धन्यवाद कि मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, आज मैं उद्यापन करने जा रहा हूं और उद्यापन में अगर कोई संत पधार जाए, कोई संत अगर हमारे यहाँ भोजन कर ले तो वो यज्ञ पूरा हो जाता है। संत और थोड़ा बहुत जल, कहीं यज्ञ हो रहा है और एक दो बूंद नीचे गिर जाए, हमारे घर में अगर कोई संत पधार जाए तो हमारा भाव होना चाहिए कि हाँ ये संत नहीं, ये भगवान पधार रहे हैं। जैसा जैसा हमारा भाव रहेगा वैसा ही हमारा कार्य रहेगा, ये कार्य हो जाएगा। परमपिता परमात्मा, साधुओं ने कहा कि तुम तैयारी करो, हम स्नान करके आते हैं, फिर हम भोजन आपके साथ ही करेंगे, उद्यापन का प्रसाद हम पाएंगे। राजा ने सारी तैयारी करी पर वो थोड़ा लेट हो गए। बारस बीती जा रही थी, तेरस लगने वाली थी, उनकी राह देख रहे थे कि वो उनको निमंत्रण दे दिया और निमंत्रण दे दिया तो पहले वो भोजन करेंगे उसके बाद ही हम। ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, आप तुलसी दल लेकर के व्रत खोल लो। जैसे तुलसी दल लिया और दुर्वासा जी आ गए, पंगत लगाई गई, बैठे, प्रसादी प्रारंभ हुई, आओ। जैसे ही भोजन की हरियर हुई और वो जैसे ही भोजन की हरियर हुई तो कहा महात्मा ने, राजन अब देखो पंगत में, जब साधु की पंगत तो बोलो हरिहर बोलो। तो उनने कहा कि आप सब लोग पाइए, बोलना पड़ता है ना घर वाले को कि हाँ भगवान आप पाओ, चालू करो। तो जैसे ही, पर राजा बोले कैसे, क्योंकि वो पहले ही खा चुके थे। उनने कहा भगवान क्यों आपने कुछ लिया? उनने कहा हाँ भगवान मुझसे मैंने ले लिया, तुलसी दल लेकर के मैंने व्रत खोल लिया है, अब मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव के, उनने कहा कि हमको निमंत्रण दिया, हमारे पहले तुमने कैसे भोजन कर लिया, मैं तुम्हें श्राप दूंगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, गुस्सा हो गए। तो अमरीश जी महाराज बड़े दयालु प्रवृत्ति के, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैंने अन्न नहीं खाया, पर जो समय था तो ब्राह्मणों के वचनों से मैंने ये प्रण कर लिया है, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। हरि बोल, इन बच्चों को चुप करवाओ, बोलो बात करो। तो
हरि बोल। उनने कहा कि भगवान हम प्रसाद ले चुके, हमने प्रण कर लिया, गुस्सा हो गए, नहीं मैंने कैसे कर लिया, और क्रोध में जैसे शाप देने लगे, इतने में भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र निकल के आ गया। अम्बरीश की राज्य की सुरक्षा भगवान का नारायण का सुदर्शन चक्र करता। दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा, चारों तरफ भाग करके ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, भगवान नारायण के पास भी चले गए, फिर भी रक्षा नहीं हुई। कि तुम मेरी गलती करते तो मैं माफ कर देता, पर तुमने अपराध किया, किसका? मेरे भगत का अपराध किया, वही तुम्हें क्षमा करे तो ठीक है। आखिरकार वापस उन्हीं के पास आए, अम्बरीश जी के पास। उन्होंने वो भी जब से वो गए तब से वो खड़े थे और बड़े चिंतित, भगवान मुझसे बहुत अपराध हुआ, मेरे कारण आपको इतना दुख हुआ, आपको यहाँ वहां भागना पड़ा। और फिर उन्होंने अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करी, वो शांत हुए और बड़े प्रेम से भोजन पाया। आइए हम भी उस ग्यारस का व्रत पूर्ण करें। आप सब लोग ग्यारस व्रत करते हो ना, ग्यारस व्रत का पुण्य भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश के रक्षा करता था। हम भी जब भगवान का निमित्त कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं या उनकी साधना पूजा करते हैं, तो हमारी रक्षा भी भगवान का सुदर्शन चक्र दृश्य रूप में अदृश्य रूप में वो हमारी रक्षा करता है। भगवान के सेवक हमारी रक्षा करते हैं, साक्षात नारायण उनको हमारी चौकीदारी के लिए खड़ा रखते हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस आप भगवान के कर्म में लग जाओ। आइए हम ग्यारस माता को प्रणाम करें। बोलो ग्यारस माता की जय। सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है ग्यारस का व्रत, सारे पापों को छुड़ाने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला और भगवान से मिलाने वाला ग्यारस व्रत। भगवान ने गीता में कहा है कि व्रतों में व्रत ग्यारस का व्रत मैं हूं, भगवान का ही रूप है ग्यारस। अरे सब व्रता में मोटी है ग्यारस माता जी, ओ ग्यारस माता जी, ओ ग्यारस माता जी, बड़े प्रेम से ग्यारस गाओ, ओ ग्यारस माता जी, ओ ग्यारस माता जी, सब वरता में
कुछ नहीं जाने, धर्म कर्म हम कुछ नहीं जाने, पाप पुण्य हम कुछ नहीं जाने, धर्म कर्म हम कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं माने, हुए उनके वहां पर मानधाता हुए और उन्हीं मानधाता के कुल में मुखचंद महाराज, मुखचंद जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने एक महापापी कालियावन उसका संहार कराया है, इसकी कथा हम आगे सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्हीं के कुल में त्रिशंकु नाम के राजा, त्रिशंकु के कुल में हरिश्चंद्र नाम के राजा, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, जिनकी कथा आप सब लोग जानते हैं। अच्छे काम में बाधा ज्यादा आती है। आज भगवान आने वाला है इसलिए बाधा आ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो सांवरिया सेठ की। परमपिता परमात्मा भगवान सच्चिदानंद त्रिशंकु के कुल में राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, जिसकी कथा आप सब जानते हैं, जिन्होंने अपने आप को सत्य के लिए समर्पित कर दिया, आप भी के अपने परिवार को भी उन्होंने सत्य के लिए बेच दिया ऐसे, और आज तो सत्य धारण किया है किसी ने, थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम सत्य को छोड़ देते हैं। राजा हरिश्चंद्र से हम सीखें, उनको प्रणाम करें कि उनका आशीर्वाद मिले, और चाहे कैसा भी दुख पड़े पर हम धर्म से डिगे नहीं, धर्म के साथ खड़े रहें, क्योंकि धर्म परेशान हो सकता है पर कभी पराजित नहीं होता। सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी और फेर मिलेगा, कहीं नहीं जाए, आना पड़ेगा उस गोविंद को, उस सत्य को आना पड़ेगा, उस सत्य को धारण करो। इसीलिए इसका क्या नाम है, हम जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं सत्संग। सत्संग, सत्संग का मतलब क्या होता है, कीर्तन भजन गाना थोड़ी होता है, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। और सत्य कौन, सत्य कौन, जो हमेशा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो आज भी है फिर रहेगा, हम नहीं थे फिर भी था, हम नहीं रहेंगे फिर भी रहेगा, वो सत्य कभी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा एक जैसा स्थिर रहता है वो सत्य।
और वो सत्य कौन? परमात्मा जो हमेशा रहता है। ये सब अपने अंदर विलीन करके वो अकेला स्थिर रहता है, और जब उसकी इच्छा होती है फिर वो अकेले से अनेक बन जाया करता है। भगवान भोलेनाथ की, उन राजा हरिश्चंद्र के कुल में उनके पुत्र का नाम था, हरिश्चंद्र के पुत्र का क्या नाम था, क्या नाम था? रोहित, तारा जी का पुत्र। रोहित के तीन पुत्र थे, हरित, चंप और बाहुक। एक बार क्या हुआ, बाहुक बहुत शक्तिशाली राजा थे, उनका राज्य छिन गया। हरि बोल, बहुत बड़ा राज्य था उनका। एक बार क्या हुआ, उनका राज्य छिन गया तो आतताइयों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। वो जंगल में चले गए, अपने पूरे परिवार, पत्नियां, सबको साथ लेकर जंगल में छुप करके रहने लगे। इतने बड़े राजा, परिवार भी उनका बड़ा था, पर उनके पुत्र नहीं था कोई। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक अनेक विवाह किए, एक पत्नी से नहीं तो दूसरी पत्नी, दूसरी से नहीं तीसरी पत्नी, ऐसे करके उनने बहुत सारे विवाह कर लिए, बहुत सारी पत्नियां, पर एक को भी पुत्र नहीं हुआ। भगवान की कृपा से एक पत्नी गर्भवती हुई। जंगल के अंदर ज्यादा व्यवस्था नहीं, रानियां है ना, पर ज्यादा व्यवस्था नहीं, कुटिया, लता पता की कुटिया बनाते या फिर गुफाओं में जाकर रहते, तो जो रानी थी ना उनको बड़े प्रेम और भाव से रखा करते कि जंगल में कहीं यहां व्यवस्थाएं भी नहीं है तो इनको थोड़ी अच्छी व्यवस्थित तरीके से रखो ताकि जो पुत्र होगा वो स्वस्थ हो, तो उसकी मान्यता बढ़ने लगी। तो बाकी रानियों को क्या हो गया, एक रानी की मान्यता बढ़ी तो बाकी रानियों को डाह हो गया कि देखो इसकी मान्यता बढ़ जाएगी तो हम इनकी दासियां बनेंगी। कोई ना कोई ऐसी मंत्रा दिमाग घुमा देती है ना, ऐसा ही हुआ। और तो उन सबने मिलकर विचार किया क्या करें, एक काम करो, तो जंगल में जो जहरीली जड़ी बूटियां थी ना उन जहरीली जड़ी बूटियों को बांट करके उनका पानी उस रानी को पिला दिया। वो जहरीली, वो जहर जब अंदर गया तो उसको पीड़ा होने लगी, घबराने लगी, विलाप करने लगी, तो राजा दौड़ करके आए, क्या हुआ, बहुत पीड़ा हो रही है, मरने जैसी स्थिति हो रही है, तो वो दौड़ करके आए और उस रानी को लेकर के, और दौड़े दौड़े वहां जंगल में औरव ऋषि का आश्रम था, और ऋषि के आश्रम पर गए, उनको प्रणाम किया, हे भगवान, हे महात्मन, अब यहां जंगल में और कोई ऐसा है नहीं, अब आप ही बताएं हम क्या करें। तो और ऋषि ने कहा आप चिंता मत करो। तो महात्मा ने जंगल में कुछ अच्छी अमृत रूपी जड़ी बूटियों को तोड़ करके, उनको पिसाई करके, उनका जो रस था वो रानी को पिला दिया, तो उस रस से उनका जो जहर का जो दाग था ना वो पीड़ा थी वो शांत हो गई, और उस वेग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, वो जहर जो पिलाया था सबसे पहले वो जहर निकला, वो जहर निकला, जड़ निकलती है ना, जड़ जहर को संस्कृत में गर बोला जाता है, गर, गर। तो पहले जहर निकला और फिर बालक आया, तो फिर उसका नाम क्या रखा, गर्ग। जहर को कहते हैं गर्ग, और जहर सहित उत्पन्न होने से, जहर को साथ लेकर उत्पन्न होने से उसका नाम सगर रखा, सगर। सगर छोटा सा था,
और वो ऋषि महात्मा की संगति उनको प्राप्त हुई, संत की संगति प्राप्त हुई, सारी विद्याओं को उन्होंने सीख लिया, सारी विद्याओं को। और वहां जो वो भील जंगलों में वही रहते, भील आदि उनके बच्चों को और भीलों को अपने साथ उन्होंने ले लिया और सारी विद्याओं को, कलाओं को, तीर चलाना, भाले चलाना, तलवार चलाना आदि गुरु से उन्होंने सीख लिया। और अपने पिता का खोया हुआ राज्य अब विचार किया, सेना बना ली उन्होंने अपने जंगल में रहने वाले लोगों की, और अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस उस आतताई के ऊपर आक्रमण किया और वो राज्य उन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की कृपा, गुरु के आशीर्वाद से वो राज्य वापस मिला और अपनी माताओं को, सब माताओं को जिनने जहर पिलाया था उनको भी सबको साथ लेकर गए, पिताजी चलो, पिताजी को वहां का वापस राज सिंहासन पर पुत्र ने बिठाया। तो पिता ने अपने पुत्र को, सगर को वहां का राजा बनाया। ऐसा धर्मात्मा पुण्यशाली राजा सगर अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करने लगा, भगवान हम बहुत बड़े कुल के हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे कुल के, इक्ष्वाकु जैसे कुल के, हमारे कुल में बड़े बड़े धर्मात्मा सरयाति आदि, अम्बरीश आदि, पर फिर किस कारण से हमें जंगल में मेरे पिता का राज छिन गया और हमें जंगल जंगल भटकना पड़ा। राज वैभव धन संपदा, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये सबके घर की बात है। ये आज हमको जो धन वैभव संपदा प्राप्त हो रही है, भगवान ने सब कुछ दिया कि नहीं दिया? ये जो हमको प्राप्त हो रही है ये किसके कारण? राजा पूछ रहे हैं कि भगवान मेरे पिता को क्यों जंगल में जाना पड़ा? उन्होंने कहा कि जो धन संपदा, राज वैभव, धन दौलत जो हमको मिलता है, ये हमारे पुण्य कर्मों से हमको प्राप्त होता है। जो हमने अच्छे पुण्य किए होंगे तो अच्छा परिवार मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा और अच्छा शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा। तो अब तुम अपने धर्म को बढ़ाओ, तुम्हारे पिता का धर्म कम हो गया होगा तो उनको जंगल में जाना पड़ा, धर्म को बढ़ाओ। तो उन्होंने धर्म को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ के लिए उन्होंने घोड़े को छोड़ा। यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होने लगे, इंद्र का सिंहासन हिला, इंद्र दौड़ करके आया, उनका घोड़ा चुराया और कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। घोड़ा नहीं मिला, सगर के